हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास नाइन या टेन के लिए चैप्टर वन जो है सी की तरफ से ये बुक दी गई है और इसका चैप्टर नंबर वन जो है उसका बेसिक्स ऑफ इंटरनेट की समरी की अब तक मतलब इस चैप्टर में क्या चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं उनको हम समझेंगे इसके साथ साथ हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो देखो क्या है द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू 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 इज़ एन इंटरनेट बेस्ड सर्विस विच यूज़ कॉमन सेट ऑफ़ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल्स टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द इंटरनेट इन अ स्टैंडर्ड वे तो जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू 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 जिसको हम जानते हैं ये क्या है एक इंटरनेट पे बेस्ड एक सर्विस है जो क्या करती है कुछ सेट कॉमन सेट ऑफ रूल्स होते हैं नियम होते हैं कुछ कॉमन सेट जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं ताकि क्या कर सके हम अपने इंटरनेट के अक्रॉस हम डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके कि एक स्टैंडर्ड वे में तभी कॉमन सेट जो है रूल्स के वो यूज़ किए जाते हैं द इंटरनेट इज़ असिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क अब इंटरनेट क्या होता है ये बहुत बड़ा नेटवर्क का नेटवर्क कहलाता है इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स टूगेदर ग्लोबली फॉर्मिंग अटवर्क इन विच एनी कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे आर बोथ कनेक्टेड टू द इंटरनेट तो इंटरनेट क्या करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में जो ग्लोबली मतलब ओवर द वर्ल्ड जो कंप्यूटर्स uh, होते हैं उनको आपस में इंटरनेट जो है कनेक्ट करता है जिससे एक नेटवर्क बन जाता है जिस नेटवर्क बनने की वजह से कोई भी एक कंप्यूटर किसी भी दूसरे कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सकता है लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए थर्ड क्या है सर्च इंजिन आर द प्रोग्राम्स विच आर नीडेड टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट अब सर्च इंजन्स क्या होते हैं ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी मदद से हम इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको उसको निकाल सकते हैं नेक्स्ट है अ सर्च इंजन वर्क्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर वेब क्रॉलिंग इंडेक्सिंग सर्चिंग तो एक सर्च इंजन तीन स्टेप में काम करता है पहला स्टेप है वेब क्रॉल करता है दूसरा फिर वो इंडेक्स करता है तीसरा सर्च करता है और फिर हमें रिजल्ट जो है वो मिल जाते हैं नेक्स्ट है अब वेब सर्वर कॉमनली नोन एज एच टी टी पी सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट सर्व्स कॉन्टेंट यूजिंग दी एच टी टी पी प्रोटोकॉल अब वेब सर्वर क्या होता है इसको हम एच टी टी पी सर्वर या एप्लीकेशन सर्वर भी बोलते हैं और ये एक प्रोग्राम होता है जो कि हमें कॉन्टेंट को सर्व करता है जो भी हम सर्च करते हैं कॉन्टेंट उसको सर्व करके देता है किसका इस्तेमाल करके एच टी टी पी प्रोटोकॉल का नेक्स्ट है अ वेब पेज कैन कंटेन एन आर्टिकल और अ सिंगल पैराग्राफ फोटोग्राफ्स एंड इट इज़ यूजुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स अब वेब पेज में क्या होता है कोई भी एक आर्टिकल हो सकता है एक वेब पेज पे या एक सिंगल पैराग्राफ हो सकता है या उस पर फोटोज़ भी दिख सकती हैं या फिर उस पर टेक्स्ट भी हो सकता है और ग्राफिक्स भी हो सकते हैं आपकी ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो एक वेब पेज कहलाता है नेक्स्ट है ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू व्यू वेब पेजेस ग्राफिक्स एंड दी ऑनलाइन कॉन्टेंट ब्राउज़र क्या होता है ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम अपने वेब पेजेस ग्राफिक्स या ऑनलाइन हमें कुछ भी कॉन्टेंट देखना होता है उसको हम देख सकते हैं नेक्स्ट आती है द सिक्योर सॉकेट्स लेयर या एस एस एल इज़ अ प्रोटोकॉल यूज हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी कि एच टी टी पी एंड ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टी सी पी फॉर मैनेजिंग द सिक्योरिटी ऑफ अ मैसेज ट्रांसमिशन ऑन द इंटरनेट तो अब यह सिक्योर सॉकेट लेयर एस एस एल क्या होती है ये एक प्रोटोकॉल होती है ये क्या यूज़ करती है दो प्रोटोकॉल्स को किस किस को एक तो एच टी टी पी और एक टी सी पी ताकि क्या कर सके जो इंटरनेट पर मैसेजेस का ट्रांसमिशन होता है मैसेजेस सेंड या रिसीव होते हैं उन मैसेज को सिक्योर किया जा सके नेक्स्ट आता है ब्लॉग अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट लाइक एनी अदर बट इट इज़ इंटेंडेड टू ऑफर पर्सनल ओपिनियंस ऑफ पीपल ऑन देयर हॉबीज, इंटरेस्ट कमेंट्रीज, फोटो ब्लॉग्स एसेकट्रा ब्लॉग भी किसी और दूसरी वेबसाइट की तरह ही एक वेबसाइट ही होती है लेकिन इसका मेन मकसद होता है पर्सनल ओपिनियंस जो होते हैं लोगों के अपनी पर्सनल जो किसी को पॉइंट्स रखने हैं वो रख सकते हैं ब्लॉग के ऊपर उनकी हॉबीज़ क्या है इंटरेस्ट क्या है कमेंट्रीज या फोटो ब्लॉग्स के थ्रू ये सब ब्लॉग पे पीपल जो है अपने पर्सनल ओपिनियंस को ऑफ़र कर सकते हैं नेक्स्ट आता है यू आर एल्स यू आर एल्स यानफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स आर द वेब ब्राउजर एड्रेस ऑफ इंटरनेट पेजेस एंड फाइल्स तो यू आर एल्स क्या होते हैं इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स और ये क्या होते हैं हमारे वेब ब्राउजर के एड्रेस होते हैं जितने भी इंटरनेट पेज होते हैं सपोज आपको फेसबुक खोलना है तो उसका यू आर एल क्या हो जाएगा डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम तो ये सारे यू आर एल ही होते हैं ठीक है तो कोई भी जो इंटरनेट पेज या फ़ाइल हमें ओपन करना होता है वेब ब्राउज़र के थ्रू तो उस उन सब का एक यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है इट इज़ द वे टू लोकेट अ फाइल और डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट इसी की मदद से हम किसी भी एक फ़ाइल या डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पर लोकेट कर पाते हैं उसको सर्च कर पाते हैं उसको ढूँढ पाते हैं नेक्स्ट आता है देर आर टू टाइप्स ऑफ यू आर एल एब्सल्यूट एंड रिलेटिव अब यू आर एल दो टाइप के होते हैं एक एब्सोल्यूट होता है और दूसरा रिलेटिव होता है और प्रोटोकॉल क्या होती है अ प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्नस द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क तो प्रोटोकॉल क्या होती है कुछ रूल्स का सेट होती है जिससे क्या होता है इन नेटवर्क के थ्रू अगर कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो उनके बीच में कॉम्युनिकेशन जो है वो हम इन सेट ऑफ रूल्स इस प्रोटोकॉल की मदद से ही कर पाते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सरसाइज उसमें हम पहले देखते हैं एमसीक्यूज़ तो पहला एमसीक्यू क्या है हमारे पास आरपा नेट स्टैंड्स फॉर तो आरपा नेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट सेकेंड क्वेश्चन है इन नाइनटीन नाइनटी इज द ऑफ विच थ्री नेटवर्क रिजल्ट इंटरनेट उन्नीस सौ नब्बे में इन तीन नेटवर्क की इंटरनेटवर्किंग की वजह से इंटरनेट हमें मिला था तो कौन सी तीन चीजें थी तो वो थी एक तो आरपा नेट दूसरा था एनएसएफ नेट और तीसरा अदर प्राइवेट नेटवर्क्स तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास वेब सर्च इंजिन वर्क्स विद दी हेल्प ऑफ टू प्रोग्राम्स विच आर दे अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सर्च इंजन जो है उसमें मेनली तो तीन स्टेप्स होते हैं लेकिन यहाँ टू पूछे गए हैं तो इनमें से आपको कोई टू बताने हैं तो वो टू होते हैं स्पाइडर एंड इंडेक्सर इन दो की मदद से वेब सर्च इंजन जो है काम करता है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा नेक्स्ट है वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ तो वेबसाइट किस चीज का कलेक्शन होती है तो वेबसाइट हमारा कलेक्शन होती है हमारा जो वेबसाइट हो जाएगी वो किस चीज़ तो वेबसाइट जो है वो किस चीज़ का कलेक्शन होती है वेबसाइट हमारे पास जो कलेक्शन होती है वो होती है वेब पेजेस का तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन ए ओ एल आई गूगल याहू आर एग्जाम्पल्स ऑफ तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या किस चीज़ के एग्जाम्पल होते क्या ये वेबसाइट के होते नहीं ये कोई वेबसाइट नहीं है वेब पेज भी नहीं होता ये वेब पोर्टल भी नहीं होता इसलिए डी ऑप्शन यानी कि नन ऑफ दी अबाउ जो है वो सही होगा सिक्स क्वेश्चन है डैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ओवर अ नेटवर्क एंड इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड वाई रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज द इंटरनेट तो ये एक ऐसी चीज़ होती है ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती है नेटवर्क के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा नंबर में कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में रियल टाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क से यानी कि इंटरनेट से जो है ये कनेक्टेड होते हैं तो ये कौन सी चीज़ होती है तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग तो ऑप्शन ए करेक्ट है नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ वेबसाइट लाइक एनी अदर बट इट इज़ इंटेंडेड टू ऑफर पर्सनल ओपिनियंस ऑफ पीपल ऑन देयर हॉबीज़ इंटरेस्ट कॉमेंट्रीज़ फोटो एट्सेट्रा तो कौन सी ऐसी चीज़ होती है अभी हमने ऊपर भी पढ़ा है कि जो दूसरी वेबसाइट्स की तरह ही होती है लेकिन इसमें लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस रख सकते हैं अपनी हॉबीज़ इंटरेस्ट कॉमेंट्रीज या फोटोज़ को लेकर तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी ब्लॉग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश प्रोटोकॉल डिफाइन्स हाउ मैसेजेस आर फॉर्मेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड विच वॉट एक्शंस वेब सर्वर्स एंड ब्राउजर्स शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड्स कौन सी प्रोटोकॉल होती है जो ये बताती है कि कैसे मैसेजेस को फॉर्मेट और ट्रांसमिट किया जाए और वेब सर्वर्स और ब्राउजर्स को क्या एक्शंस लेने चाहिए कमांड्स के बेसिस पर जो कमांड देता है यूज़र उसके रिस्पॉन्स में वेब सर्वर और वेब ब्राउजर को क्या एक्शंस लेने चाहिए तो ये कौन सी प्रोटोकॉल डिफाइन करती है तो ये करती है ऑप्शन नंबर सी एच टी टी पी नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आर एल्स आर ऑफ टू टाइप्स दो टाइप्स की यू आर एल्स अभी हमने ऊपर पढ़ी थी कौन कौन सी ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव और नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनएस इज़ एन एक्रोनिम फॉर तो डी एक्रोनिम किसका है यानी कि डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है तो वो है ऑप्शन नंबर डी डोमेन नेम सिस्टम अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफ़ाइन द फॉलोइंग हमें कुछ टर्म्स दी गई है और हमें इनको डिफाइन करना है तो पहली जो टर्म दी गई है हमें वो क्या है यू आर एल यानी कि इसके फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर तो इसको हम कैसे लिखेंगे यू आर एल्स आर द वेब ब्राउजर एड्रेस ऑफ इंटरनेट पेजेस एंड फाइल्स तो यू आर एल्स क्या होते हैं हमारे इंटरनेट पेजेज और फाइल्स के वेब ब्राउजर के एड्रेस होते हैं सेकेंड टर्म जो है वो है हमारे पास एफ टी पी यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल तो एफ़ टी पी इज़ अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज ऑन नेटवर्क टू ट्रांसफर द फाइल्स फ्राम वन होस्ट कंप्यूटर टू अनदर होस्ट कंप्यूटर यूजिंग अ टी सी पी बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट तो टी सी पी एफ टी पी क्या होती है ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होती है जिसको हम एक नेटवर्क पे यूज़ करते हैं ताकि हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सके एक होस्ट कंप्यूटर से दूसरे होस्ट कंप्यूटर पे और किस चीज़ को यूज़ करके एक टीसीपी बेस्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करके जैसे कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके नेक्स्ट है हमारे पास ब्लॉगर तो ब्लॉगर क्या होता है अ पर्सन हु राइट्स अ ब्लॉग इज सिंपली नोन एज अ ब्लॉगर तो ब्लॉगर क्या होता है जो पर्सन एक ब्लॉग लिखता है उसी को ब्लॉगर बोलते हैं नेक्स्ट टर्म है, है आरपानेट तो आरपानेट की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क तो इट इज़ अ प्रोजेक्ट अंडर विच द इंटरनेट वॉज इवॉल्व्ड इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड यू एस डिफेंस तो आरपा नेट की फुल फॉर्म हो जाएगी और ये क्या था एक प्रोजेक्ट था जिसके अंडर इंटरनेट इवॉल्व हुआ था उन्नीस में जिससे कि कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट किए जा सके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और यूएस डिफेंस के कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सके नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल क्या होता है प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्नज द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क तो प्रोटोकॉल क्या होता है ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि क्या करता है कम्युनिकेशन जो होती है कंप्यूटर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं एक नेटवर्क पे तो उनको क्या करता है उनके बीच में कॉम्युनिकेसन सेट करता है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टर्म है ब्लॉग अ ब्लॉग इज़ अ वेबसाइट लाइक एनी अदर बट इट इज़ इंटेंडेड टू ऑफर पर्सनल ओपिनियंस ऑफ पीपल ऑन देयर हॉबीज इंटरेस्ट कॉमेंट्रीज फोटो ब्लॉग्स एसेट्रा तो ब्लॉग्स क्या होते हैं ये भी एक वेबसाइट ही होती है कोई भी दूसरी वेबसाइट की तरह लेकिन इसमें हम अपने पर्सनल ओपिनियंस जो होते हैं लोगों के उनको भी ऑफर कर सकते हैं जैसे कि उनके पर्सनल ओपिनियन उनकी हॉबीज़ के ऊपर इंटरेस्ट कॉमेंट्रीज या फोटो ब्लॉग्स के ऊपर नेक्स्ट है टीसीपी या आईटीपी तो टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल तो टीसीपी और आईपी इज़ द बेसिक पॉइंट टू पॉइंट मीनिंग ईच कम्युनिकेशन इज़ फ्रॉम वन पॉइंट इन द नेटवर्क टू अनदर पॉइंट और होस्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ऑन द इंटरनेट तो टीसीपी क्या होती है ये एक बेसिक पॉइंट टू पॉइंट वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मतलब क्या होता है इसमें नेटवर्क के एक पॉइंट से लेके दूसरे नेटवर्क के या दूसरे होस्ट कंप्यूटर के दूसरे पॉइंट तक कम्युनिकेशन जो है वो करवाता है कौन करवाता है टीसीपी या आईपी नेक्स्ट है एच टी टी पी एच टी टी पी की फुल फॉर्म क्या होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो इट इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अलाउज यूजर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन फाउंड ऑन वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट तो एच क्या होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और ये क्या होता है ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स होता है जिसकी वजह से जो वर्ल्ड वाइड वेब के डब्लू डब्ल्यू के यूजर्स जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो उनको वेब पेजेस पर मिलती है उसको इंटरनेट की मदद से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब हमारा उसको देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड डब्ल्यू डब्लू डब्ल्यू हाउ इट इज डिफरेंट फ्राम इंटरनेट तो डब्ल्यू 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 क्या होता है द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू 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 इज एन इंटरनेट बेस्ड सर्विस विच यूज कॉमन सेट ऑफ रूल्स नोन एज प्रोटोकॉल्स टू डिस्ट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस द इंटरनेट इन अ स्टैंडर्ड वे तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होती है एक इंटरनेट बेस्ड सर्विस होती है जो कि कॉमन सेट ऑफ रूल्स को इस्तेमाल करती हैं जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं ताकि इंटरनेट uh, in, के अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके एक स्टैंडर्ड वे में अब इंटरनेट और डब्ल्यू डब्ल्यू में क्या फ़र्क होता है कि इंटरनेट इज़ नोन एज इंटर कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स कि इंटरनेट तो इंटर कनेक्शन होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का जबकि डब्ल्यू 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 इज़ अ मैसिव कलेक्शन ऑफ़ डिजिटल पेजेस टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट जबकि डब्ल्यू 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 क्या होता है ये बहुत बड़ा कलेक्शन होता है डिजिटल पेजेस का जिससे कि हम इंटरनेट के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं दूसरा क्या होता है इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स ओवर द इंटरनेट डज सो वाया अ वायटी ऑफ लैंग्वेज नोन एज प्रोटोकॉल्स तो इन्फॉर्मेशन uh, जो इंटरनेट uh, में के थ्रू ट्रैवल करती है uh, वो उसमें क्या होता है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस की मदद से करती है जिनको हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं जबकि द वेब यूज़ द एच टी टी पी प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट डेटा एंड अलाउज एप्लीकेशन टू कॉम्यिकेट इन ऑर्डर टू एक्सचेंज बिजनेस लॉजिक जो वेब होती है वो क्या यूज़ करती है एच टी टी पी प्रोटोकॉल अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए और एप्लीकेशनस को अलाउ करती है ताकि जो है कॉम्यनिकेट कर सके अपने आइडियाज़ को अपने इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए तो ये सारे थे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज और समरी इस चैप्टर की तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में